हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएस क्लासेस। स्टूडेंट्स, जिस दिन का इंतज़ार था वो दिन आ चुका है। जिस बात को कमेंट में लिखा गया था कि क्लास 8 जल्द ही आने वाला है, क्लास 8 का वीडियो उर्दू का बहुत जल्द अपलोड होने वाला है, वो आज से अपलोड होना शुरू हो चुका है। और जब ये शुरू हो चुका है तो फर्स्ट चैप्टर से लेकर आखिर चैप्टर तक इसको डाला जाएगा, और इसी तरीके से इसका क्वेश्चन आंसर जो है उसको भी डाला जाएगा, और उसका सलूशन सब चीज़ आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा, आप लोगों को डालकर बताया जाएगा। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 8 एनसीईआरटी का उर्दू अपनी ज़ुबान की सबसे फर्स्ट चैप्टर को हम पढ़ेंगे और उसको अच्छे तरीके से समझेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर इससे नए हैं तो इससे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमारी टीम जो है एमएस क्लासेस की, उसके जो उद्देश्य है, उसका जो मकसद है, वो मकसद पूरा हो जाए और हर बच्चे को उर्दू लिखना और पढ़ना आ जाए। तो चलिए, बिना किसी टाइम ज़ाय किए हुए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है उसका हेडिंग है माँ का ख्वाब। माँ का ख्वाब, इस नज़्म में माँ का ख्वाब बयान किया गया है और चंद नसीहत है जो हमको इससे मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से यहाँ तक आप लोगों को पढ़कर बताते हैं। मैं सोई जो एक शब तो देखा ये ख्वाब बढ़ा, और जिससे मेरा इज़्तिराब, ये देखा कि मैं जा रही हूँ कहीं, अंधेरा है और राह मिलती नहीं, लरजता था डर से मेरा बाल बाल, कदम का था दहशत से उठना मुहाल, जो कुछ हौसला पाके आगे बढ़ी तो देखा कतार एक लड़कों की थी। माँ कह रही है कि मैं एक रात सोई हुई थी, अचानक एक ख्वाब देखती हूँ जिसमें मेरी परेशानी बढ़ने लगती है। क्या ख्वाब देखती हूँ? वो ख्वाब बता रही है कि मैं ख्वाब ये देख रही हूँ कि मैं कहीं जा रही हूँ, कहीं जा रही हूँ किसी रास्ते पे, जिस रास्ते पे एकदम चारों तरफ से अंधेरा है, रास्ता कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से अंधेरा है और रास्ता कहीं मिल नहीं रहा है, तो मेरा बाल बाल तक एकदम डर की वजह से कांप रहा था। कदम दहशत से उठना मुहाल, यानी कदम जो है, कदम का था दहशत से उठना मुहाल, यानी एक पैर भी मैं आगे, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी, इतना डर और खौफ तारी हो चुका था मेरे ऊपर। जो कुछ हौसला पाके आगे बढ़ी, कुछ हौसला मिला तो मैं चंद कदम आगे बढ़ी, तो आगे क्या देखती हूँ? आगे कह रही है माँ कि मैं आगे देखती हूँ कि एक लड़कों की एक लंबी लाइन लगी हुई है। आगे क्या कह रही है उसको देखते रहिए। जमर्रद सी पोशाक पहने हुए, दिए सबके हाथों में जलते हुए, वो चुपचाप थे आगे पीछे रवां, खुदा जाने जाना था उनको कहाँ। यानी ये कह रही है कि मैं जब ख्वाब में देखती हूँ कि जब मैं कुछ आगे बढ़ती हूँ कुछ कदम, तो आगे एक लंबी लड़कों की लाइन लगी हुई थी। सब लड़के हरे रंग के लिबास पहने हुए थे और सबके हाथों में दिया था, और सब दिया सब लड़के के हाथ में जल रहा था, और चुपचाप वो आगे चले जा रहे थे। वो चुपचाप थे आगे पीछे रवा, यानी आगे पीछे एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे होकर लंबी लाइन लगी हुई थी, वो आगे बढ़ते जा रहे थे। कह रही है खुदा जाने जाना था उनको कहाँ, यानी अल्लाह ताला जानते हैं, खुदा जानते हैं कि उनको कहाँ जाना था, ये मुझे पता नहीं था कि वो लोग कहाँ जा रहे थे। अब नीचे देखिए, इसी सोच में थी कि मेरा पिसर मुझे उस जमात में आया नज़र, वो पीछे था और तेज चलता न था, दिया उसके हाथों में जलता न था। ये कह रही है कि मैं इसी सोच में थी कि अचानक उस लाइन में मेरा भी बच्चा नज़र आया, मेरा बेटा जो है उसमें, उस लाइन में नज़र आया। उसके बाद कह रही है कि मुझे उस जमात में आया नज़र, यानी कि मेरा बेटा उस लाइन में नज़र आया, कि मेरा बेटा भी उसी लाइन में जा रहा है। और ये कह रही है कि मैं क्या देखती हूँ कि मेरा बेटा जो है वो पीछे पीछे, सबसे पीछे है और धीरे धीरे चल रहा है, तेज़ भी नहीं चल रहा है, पीछे पीछे है, और उसके हाथ में जो दिया था, सब लड़के के हाथ में जो दिया था वो जल रहा था, लेकिन उसके हाथ में जो दिया था वो भी नहीं जल रहा था, वो बुझा हुआ था। कहा मैंने पहचान कर मेरी जान, मुझे छोड़ कर आ गए तुम कहाँ। यानी जब मैंने उसको देखा कि वो पीछे पीछे जा रहा है, माँ कह रही है कि मैंने, जब मैंने उसको देखा कि वो पीछे पीछे जा रहा है, उसके हाथ में दिया वो भी नहीं जल रहा है, बुझा हुआ है, तो मुझे परेशानी हुई, और उसके बाद मैंने उसको पहचान कर उससे कहा कि मुझे छोड़कर तुम कहाँ जा रहे हो, मेरे बच्चे मुझे छोड़कर तुम कहाँ जा रहे हो। फिर आगे माँ कह रही है कि जुदाई में रहती हूँ मैं बेकरार, पिरोती हूँ हर रोज़ अशकों के हार, न परवाह
हमारी जरा तुमने की, गए छोड़ अच्छी वफा तुमने की। ये कह रही है माँ एकदम बेचैन होकर कि हमेशा मैं जुदाई में रहती हूँ, बेकरार रहती हूँ, बेचैन रहती हूँ, तुम छोड़कर मुझे कहाँ जा रहे हो, कहाँ चले आए। पिरोती हूँ हर रोज़ अश्कों के हार, यानी हर रोज़ जो है मैं, अश्क मीन्स होता है आंसू, हर रोज़ जो है मैं आंसू बहाती हूँ तेरे गम में, लेकिन तू आता नहीं है, कहाँ चला गया। न परवाह हमारी ज़रा तुमने की, यानी मैं माँ हूँ, मैं अकेली हूँ, तुमने मेरी परवाह नहीं की और कहाँ चला गया तुम छोड़कर। गए छोड़ अच्छी वफ़ा तुमने की, यानी तूने कैसी वफ़ा की तुमने की मुझे छोड़कर चले गए, यानी तुमने वफ़ा नहीं की मेरे साथ। जो बच्चे ने देखा मेरा पेचोताब, दिया उसने मुंह फेर कर यूं जवाब। यानी जब माँ कह रही है कि जब बच्चे ने मेरा ये दिल ही दिल में जो मैं घुट रही थी अचानक, तो बच्चे ने मेरा मुड़ कर जवाब दिया। क्या जवाब दे रहा है देखते रहिए। रुलाती है तुझको जुदाई मेरी, नहीं इसमें कुछ भी भलाई मेरी। बच्चा कह रहा है कि ऐसी बात नहीं है कि आप मेरी वजह से मैं आपको छोड़कर आ गया तो आप बेचैन हैं, मैं भी बेचैन हूँ आपकी जुदाई की वजह से, आपसे मिल नहीं पा रहा हूँ, आपसे जुदा हो गया हूँ, तो मैं भी बेचैन हूँ आपसे मिलने के लिए। नहीं इसमें कुछ भी भलाई मेरी, यानी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इसमें कि मैं आपको छोड़कर आ गया हूँ। तो ये कहकर वो कुछ देर तक चुप रहा, दिया फिर दिखाकर ये कहने लगा। यानी बच्चा जो है ये कहकर कि आपकी जुदाई मुझे भी रुलाती है, मुझे भी याद आती है, ये कहकर बच्चा क्या कह रहा है, थोड़ी माँ कह रही है कि थोड़ी देर मेरा बच्चा क्या है चुप रहा, फिर दिखाकर, फिर दिया जो है, दिया हाथ में जो लिया हुआ था, बुझा हुआ था, वो दिखाकर क्या कहने लगा। समझती है तू क्या, तू हो गया क्या इसे, तेरे आंसुओं ने बुझाया इसे। कह रहा है माँ को बच्चा दिया जलाकर दिखा रहा है कि कह रहा है कि देखिए माँ, आप ये समझ रहे हैं कि इस दिए को कुछ हो गया है, ऐसी बात नहीं है, बल्कि आपकी आंसुओं की वजह से ये दिया क्या हो गया, बुझ गया है। इस नज़्म के जो राइटर हैं स्टूडेंट्स, वो हैं अल्लामा इकबाल। स्टूडेंट्स, इस नज़्म से हमें ये सीख मिलता है कि माँ बाप को बच्चे को दिखाकर रोना और पीटना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे की, माँ बाप के रोने की वजह से बच्चे की हौसला क्या होता है, पस्त होता है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके जो दोस्त हैं उनको उर्दू पढ़ना लिखना और समझना आ जाए। स्टूडेंट्स, बस इस वीडियो को हम इसी पर एंड करते हैं। थैंक यू।